नमस्ते दोस्तों, आज हम लोगों का नंबर थ्योरी में सेकंड लेक्चर है। इससे हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने यूलर्स फाई फंक्शन क्या होता था ये समझा था कि हमारा ये यूलर्स फाई फंक्शन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है ये समझा था। बेसिकली हमारा क्या होता है, ये हमारी एक मैपिंग है सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, और ये करता क्या है, सच दैट कि जब भी आप कोई भी नंबर डालते हैं इस फंक्शन में, इनपुट करते हैं, यानी कि फाइल एक तरह से मशीन है, जब भी आप उसमें कोई नंबर इनपुट करते हो तो आपको आउटपुट में भी क्या मिलता है, एक नेचुरल नंबर ही मिलता है। और ये नेचुरल नंबर बताता क्या है, बेसिकली ये बताता है कि ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जो हमारे एन से छोटे हैं और उसके को प्राइम है। मीन्स कि इट टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर less than or equal to n and co prime to n। ये हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में फाई फंक्शन की मीनिंग को बहुत अच्छे से समझा कि फाई फंक्शन हमारा बताता क्या है, कि ये बताता है कि ऐसे कितने नेचुरल नंबर होने वाले हैं जो हमारे एन से छोटे होंगे और एन के कोप्राइम भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई कह दे एग्जाम्पल 5 10, तो हम लोगों ने देखा था कि 5 10 हमारा 4 आता है, तो ये 4 बता क्या रहा है, ये 4 बता रहा है कि ऐसे 4 नेचुरल नंबर हैं जो हमारे लेस देन है 10 से और कोप्राइम है 10 के। कौन कौन से, ये आपके हैं 1 3 7 9, ये हमारे 4 नेचुरल नंबर हैं जो 10 से छोटे भी हैं और कोप्राइम भी है 10 के। कोप्राइम मतलब कि उनका जीसीडी 10 के साथ 1 आता है। तो ये हमारा फाई फंक्शन काम करता है, बेसिकली टेल्स यू अबाउट कि कितने होने वाले हैं नेचुरल नंबर जो हमारे पर्टिकुलर नंबर से छोटे हो और उसके कोप्राइम हो। बट अगर आपके पास कोई छोटा नंबर इनपुट करोगे तो आप इजिली बता सकते हो कि हाँ, एक एक नंबर चेक करके कि कौन उसके कोप्राइम है कौन नहीं। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ले लिया बहुत बड़ा नंबर जैसे कि 980, अब ये बताना है ये कितना आएगा, तो ये तो बड़ा यूज प्रोसेस हो जाएगा कि एक एक नंबर को आप चेक करें 980 के साथ कौन लेस देन है, फिर कौन सा कोप्राइम होगा कौन सा नहीं। तो इन सबसे बचने के लिए हमारे पास एक रिजल्ट है, एक रेडीमेड रिजल्ट है जिससे हम लोग इजिली कैलकुलेट कर पाते हैं फाई एन को। कैसे, अब देखिए इसको कैलकुलेट करने की जो रेसिपी है, जो स्टेप्स हैं, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास जो मेजर चैलेंज है वो ये है कि टू कैलकुलेट फाई एन, टू कैलकुलेट फाई एन फॉलो दिस स्टेप। कैसे आप करने वाले, जरा ये देखिए। सबसे पहली बात, आपको फाई एन निकालने के लिए कोई नेचुरल नंबर दिया जाएगा, इनपुट तो मिलेगा ही, तो स्टेप वन हम लोगों का जो होगा वो होगा बच्चों परफॉर्म, या आप कर दीजिए इसको डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एन। आपको क्या करना है, सबसे पहला इसका क्या है, जो भी आपको नेचुरल नंबर मिले आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स कि आप उसको लिख दें मल्टीपल्स ऑफ प्राइम में, जैसे कि एन को आप ऐसे लिख सकते हो पी की पावर ए, क्यू की पावर बी, आर की पावर सी, और फर्दर हो रहे हो तो उनको भी लिखते जाइएगा, जहां पे वेयर
पी क्यू आर आपके क्या होंगे, ये हमारे होंगे प्राइम नंबर्स, ये होंगे हमारे प्राइम नंबर्स। और ए बी सी ये हमारे जो पावर्स में ये हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ए बी सी हमारे क्या होंगे, ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें जो भी आपको नेचुरल नंबर मिले उसका। स्टेप टू में क्या करना है हम लोगों को, स्टेप टू कुछ नहीं है, बेसिकली आपका रिजल्ट है जो कैलकुलेट करता है। क्या करना है, जो भी आपको प्राइम मिले उन सबका रेसिप्रोकल कर दें आप। जैसे पी है, पी हमारा प्राइम है, उसका रेसिप्रोकल करें तो क्या होगा, वन अपॉन पी, और उसको वन से सब्ट्रैक्ट कर दें और इसको क्लोज कर दें। दूसरा प्राइम मिले उसका भी क्या करें, रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा वन अपॉन क्यू, फिर वन से सब्ट्रैक्ट कर दें, क्लोज कर दें। तीसरा एक और प्राइम है हमारे पास, उसका भी क्या करें, रेसिप्रोकल, तो आएगा वन अपॉन आर, उसको भी वन से सब्ट्रैक्ट करें और क्लोज कर दें। ऐसे और भी अगर आपके पास प्राइम हो उन सबका क्या करें, रेसिप्रोकल लें और वन से सब्ट्रैक्ट कर दें, और ये सबको मल्टीप्लाई करिएगा आपस में, और जब सबको मल्टीप्लाई करके आप एक बार एन के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइव एन फाइव मिल जाएगा। इतना जो हमने पूरा इतना सीन क्रिएट किया वो आपको क्या बताने का है कि जब भी आपको कोई नेचुरल नंबर मिले आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी आपको प्राइम बेसिस में मिले, मतलब कि इस फॉर्म में मिलेंगे पी क्यू आर, तो आप क्या करें, सारे प्राइम्स का रेसिप्रोकल करके सबको वन से सब्ट्रैक्ट करके आपस में मल्टीप्लाई करा दो एन के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइव एन। और यही हमारे पास ये रिजल्ट है जो हम लोगों को इजिली कैलकुलेट करके दे देता है किसी भी नंबर का आपको फाइव निकालना हो। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे फाइव टेन निकालना है, तो फाइव टेन निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमें क्या निकालना है, फाइव टेन, फाइव टेन कितना होता है ये निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है, जो भी आपको नेचुरल नंबर मिले, जैसे हमारे पास एन क्या आया, टेन आया, तो आप क्या करें, आप टेन का प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कि उसको मल्टीपल्स ऑफ प्राइम में लिखे, तो कैसे लिखोगे, टू की पावर वन, फाइव की पावर वन, ये डॉट हमारा बता रहा है कि हमने प्रोडक्ट किया है, तो टू की पावर वन और फाइव की पावर वन। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, टेन, और ये टू और फाइव हमारे क्या है, प्राइम। तो हमने क्या बताया, जो भी आपके पास प्राइम उन सबका रेसिप्रोकल करो, टू हमारे पास प्राइम है उसका रेसिप्रोकल, तो वन अपॉन टू, वन से सब्ट्रैक्ट, ब्रैकेट क्लोज। फिर एक और प्राइम है तो फाइव है, तो उसका रेसिप्रोकल वन अपॉन फाइव, वन से सब्ट्रैक्ट, ब्रैकेट क्लोज। और कोई प्राइम है, हमने कहा नहीं, और इन सबको मल्टीप्लाई किससे कर दो बाद में, टेन से। तो देखना बच्चों, तो ये आएगा हमारा टेन, ये होगा वन अपॉन टू, ये होगा हमारा फोर अपॉन फाइव। तो देखिए टू फाइव जा टेन और ये टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या बचा, फोर। तो यही देखिए फोर आ गया, जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में पूरा एक एक सॉल्व करके देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि कौन सा नंबर होगा कौन सा नहीं, बट इस फॉर्मूले से हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं कि आपको रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब कि ये बता देगा आपको फॉर्मूला कि ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जो 10 से छोटे भी हैं और को प्राइम भी है 10 के, और वो कौन कौन से, वो वहां पे लिखे हुए 1, 3, 7, 9। अब जैसे कि ये फॉर्मूला कब ज्यादा काम आएगा, जब आप कोई बड़ा नंबर लोगे, जैसे कि यहां पे हमने ले लिया एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल टू, 5980 निकालना है, 980 निकालना है। हमने कहा ठीक है ये आराम से लोग निकाल लेंगे। सबसे पहला काम क्या है, 980 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, आप बेसिकली आप क्या करो, आप एलसीएम लो, तो आप एलसीएम लोगे तो आएगा 2 4 8, 8 कैरी हो जाएगा, तो हो जाएगा 18, 2 2 9, 18 0, फिर 2 2 4, 2 4 8, 8 कैरी हुआ 5, फिर 5 से करेंगे तो 5 4 20, फिर 4 8 9, फिर 7 के साथ करेंगे तो आएगा 7, फिर एक बार करेंगे तो 1। तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, मींस आप 980, आपका जो नंबर आपको मिला था इनपुट वो मिला था 980, आपने जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप लिखोगे 2 की पावर 2, क्योंकि 2 हमारा कितनी बार है, 2 टाइम्स, 5 की पावर 1, क्योंकि 5 हमारा एक टाइम है, और 7 की पावर 2। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया 980 का। तो हमने क्या बताया बच्चों,
कि जो भी आपको मिले प्राइम बेसिस में, ये 2, 5, 7 हमारे तीनों क्या है, प्राइम है, रेसिप्रोकल करो इनका और रेसिप्रोकल करके 1 से सब्ट्रैक्ट करो सबको। तो 2 है हमारे पास, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 फर्स्ट, फिर 5 है तो 1 माइनस 1 अपॉन 5 सेकेंड, फिर 7 है हमारा 1 माइनस 1 अपॉन 7 कर दिया। आपको नंबर क्या मिला हुआ था 9, 8, इसको भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पे मेंशन नहीं कर रहा हूं, ये हमारी डॉट है, मतलब कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, मेंशन नहीं, बट हम लोग कर क्या रहे हैं मल्टीप्लीकेशन सबका। तो आप देखिए ये होगा 980, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 माइनस 1 1, तो ये 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, 5 ऊपर जाएगा तो 5 माइनस 1 4, तो 4 अपॉन 5, 7 ऊपर जाएगा तो 7 माइनस 1 6, 6 अपॉन 7, तो 5 2 10, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से करेंगे इसको तो ये आएगा हमारा 14। अब क्या है हमारे पास 14, 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 और 6 4 24, तो ये हो जाएगा 16, 4 4 16 1, एक कैरी हुआ 56, फिर ये हुआ 28, 6 8 5 3 कैरी, तो ये हमारा कितना आया 336, मतलब ऐसे 336, मतलब 336 नेचुरल नंबर ऐसे हैं जो 980 से छोटे भी हैं और को प्राइम भी हैं। तो आपको मीनिंग समझ में आ रही है, उन्होंने पहला लेक्चर बस फोकस कर रहा था कि आप 5 फंक्शन को समझो, कि 5 फंक्शन आपको जो नंबर दे रहा है वो बताता क्या, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो वो जब हम लोगों ने समझ लिया तो आज हम लोग कैलकुलेट करना सीख रहे हैं कि 5n को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब जैसे कि हमने नंबर ले लिया, अच्छा एक और नंबर लेते हैं बढ़िया सा, 5 1 0 0 1 5 1 0 0 1, मीन्स कि हमारे पास जो n है ये हमारा क्या है 1 0 0 1। तो बच्चों जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा आपका, कर ही लेते हैं इसको हम लोग, तो कोई डाउट या कोई भी एरर ना हो, 1 0 0 1, तो एक बार 11 से करेंगे तो 99, तो ये 1 कैरी होगा तो 1 आएगा, फिर 13 से करेंगे तो 7, फिर ये 1। तो अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें 1 0 0 1 का, तो आपको मिलेगा 7 की पावर 1, 11 की पावर 1, 13 की पावर 1, क्योंकि जब आप 7, 11, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1 0 0 1, और 7, 11, 13 ये हमारे क्या है प्राइम नंबर्स हैं। तो क्या बताया, जो भी आपको प्राइम मिले रेसिप्रोकल करो 1 से सब्ट्रैक्ट, तो ये होगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन 7, फिर 1 माइनस 1 अपॉन 11, फिर 1 माइनस 1 अपॉन 13, तो ये हुआ। अब क्या करें, सबको किससे मल्टीप्लाई करना, जो आपको n जो आपका नंबर है, जैसे यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 980 था, यहाँ पे 1001, तो 1001 ऐसा मल्टीप्लीकेशन में है बच्चों, डॉट मेंशन कर दे रहा हूं जिससे आपको पूरा क्लियर है, कोई डाउट ना रखें आप। 1001 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 1 10, 10 अपॉन 11, और यहां पे 7 था पहले ना, तो 7 को पहले करते हैं, 7 माइनस 1 6, 6 अपॉन 7, फिर 11 ऊपर गया तो 11 माइनस 1 10, 10 अपॉन 11, और फिर 13 माइनस 1 12 अपॉन 13, तो 7, 11, 13 पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे 1001 को, तो आपका ये कितना आएगा 720, मतलब ऐसे 720, मेरे से 2 लग रहा है सही से नहीं, 720 ऐसे 720 नेचुरल नंबर है जो 1001 से छोटे भी हैं और को प्राइम भी हैं। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया कि आपको अगर कैलकुलेट करना है 5n तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जितने आपको प्राइम बेसिस में मिले, बेस में मिले सबका रेसिप्रोकल करके 1 से सब्ट्रैक्ट करो और सबको मल्टीप्लाई कर दो किससे, n के साथ, तो आपको 5n मिल जाएगा। तो ये 3 एग्जांपल इसी को बताते हैं। अब एक और ले लेते हैं, यहां पे
एग्जाम्पल नंबर फोर, एग्जाम्पल नंबर फोर, एग्जाम्पल नंबर फोर बच्चों है हमारा क्या 500, देखो 500, देखो 500 आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करें 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको n क्या मिला हुआ 100, तो आप 100 को कैसे लिख सकते हो 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, क्योंकि 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 100 मिल जाएगा, और 2 भी हमारा प्राइम है, 5 भी हमारा प्राइम है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि आप किसी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखो। अब देखिए क्या करना है, जो भी आपको प्राइम मिले उसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1 - 1/2, यहां पे 5 है तो 1 - 1/5, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो आप 100 से। तो अब देखिए ये आएगा हमारा, इसको यहां पे लिखें, देखिएगा बच्चों, तो ये 100, ये 1/2, ये 4/5, तो ये आपका क्या आया, ये 10 से कट जाएगा तो ये आया आपका 40। मतलब ऐसे 40 नेचुरल नंबर हैं जो 100 से छोटे भी हैं और को प्राइम भी हैं। तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा कि आप फाइन कैसे निकालोगे। अब मैं बोर्ड रब करके आपको फाइन की प्रॉपर्टीज दिखाता हूं और कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स में बताता हूं कि अगर फाइन उस पर्टिकुलर फॉर्म में आएगा तो आप कैसे कितने इजिली निकाल सकते हो। तो मैं बोर्ड रब करता हूं फिर इसके आगे का आपको बताता हूं। तो बच्चों अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो यूलर फाई फंक्शन क्या होता है ये समझ लिया, कैसे कैलकुलेट करना है ये सीख लिया, अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली है, इसको ये हमारी सबसे फर्स्ट है, जब भी आपको n इस फॉर्म में मिले, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आप क्या करें, जब भी आपको n मिले आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो जब भी आपको n इस फॉर्म में मिले, p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c, s की पावर d, ये और भी कितना चलता चला जाए, जितना भी प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी पॉसिबल हो रहे हो सब, जितना भी आप प्राइम मिले उसको आप सब लिखोगे, वेयर वेयर p, q, r, s आर प्राइम प्राइम नंबर्स नंबर्स एंड a एंड आपके जो a b c d हैं, a b c d ये हमारे क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमारे क्या है, इसको मेंशन क्लियरली करूं, पॉजिटिव इंटीजर्स। मींस कहने का क्या मतलब कि जब भी आपको n इस फॉर्म में मिले, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में मिले, मतलब कि मल्टीप्लेस ऑफ प्राइम में मिले, तो आपको अभी मैंने बताया, तो आप फाई एन कैसे लिखोगे, फाई एन आपका बच्चों होगा n जो नंबर है मल्टीप्लाइड विथ 1 - 1/p, 1 - 1/q, 1 - 1/r, एक और है हमारे पास, जितने भी प्राइम आपको मिले वो सबका रेसिप्रोकल लेके 1 से सबट्रैक्ट, 1 - 1/s, जितने भी आपको मिले उन सबको आप मल्टीप्लाई कर दें इनके साथ, तो आपको फाइव एन मिल जाएगा, जो अभी हम लोगों ने देखा भी। बहुत ध्यान रखिएगा, हम लोग ग्रुप थ्योरी भी पैरेलली पढ़ रहे हैं और वहां पे बहुत सारे केसेस में आपको फाइव एन निकालना पड़ेगा, इसलिए ये फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए। अब जरा देखिए, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, बट आप 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो ये जो आपका रिजल्ट है ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब आपका n 1 से बड़ा है, इसको आप मेंशन भी कर देते हैं, प्रोवाइडेड n इज ग्रेटर देन 1, बिकॉज आप n जब 1 लोगे तो आप 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे, इसलिए आप क्या कर रहे हो बच्चों, फाइन आप ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब आपका n 1 से बड़ा है,
और परेशान ना होइए, 5-1 तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया है प्रीवियस लेक्चर में ऑल्सो। तो ये मत सोचे कि आप 1 के साथ नाइंसाफी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। 5-1 हम लोगों ने कैलकुलेट किया होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 से छोटा भी है और 1 का कोप्राइम भी है, तो इसलिए 5-1 की वैल्यू 1 होती है। और ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे, जब n इज ग्रेटर देन 1, तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। सेकंड बच्चों बहुत ध्यान से, अगर आपको फाइव निकाल रहे हो, आपका n अगर कोई प्राइम नंबर होता है, मीन्स कि इफ n इज इक्वल टू p, वेयर p इज अ प्राइम नंबर, जहां पे p हमारा क्या है, प्राइम नंबर, देन आप देखिए, तो आप किसका निकाल रहे हो, 5 p का निकाल रहे हो, तो बच्चों डायरेक्ट आप कह सकते हो ये p माइनस 1 होगा, सीधे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना। जब भी आप किसी प्राइम नंबर का आपको 5 निकालना है, 5 फंक्शन मतलब कि 5 p निकालना है, तो वो क्या होता है, प्राइम से एक कम। और ऐसा नहीं है कि ये सीधे कोई आसमान से टूटा और सीधे हमारे पास आ गया रिजल्ट, कुछ नहीं किया हमने, इसको सॉल्व किया तब आया। कैसे, बहुत सिंपल है, आपको क्या दिया हुआ है, n इक्वल टू पी, पी हमारा क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन सब हो चुका है, बस ये आपको इस फॉर्म में है। तो जब आप 5p निकाल रहे हो तो आपको क्या बताया हमने, आप n और जो भी प्राइम उसका रेसिप्रोकल और 1 से सब्ट्रैक्ट, 1 माइनस 1 अपॉन p, तो n हमारा क्या है, p, और इसको हमने क्या किया, ये p माइनस 1 अपॉन p, तो p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आया क्या, p माइनस 1, तो वही हमने डायरेक्ट लिख दिया है यहां पे कि जब भी आप किसी प्राइम नंबर का निकालोगे तो आप p माइनस 1 करोगे। एग्जाम्पल दे देते हैं जिससे आप कंफर्टेबल रहो, जैसे आपसे कोई पूछे 5-2 क्या होता है, सीधे बोल दीजिएगा कि 2-1, 1, क्योंकि 2 हमारा प्राइम है। आपसे कोई 5-3 पूछे तो आप क्या कहोगे कि ये 3 हमारा प्राइम नंबर है, तो जब तो प्राइम नंबर है तो 5-3 हमारा क्या होगा, प्राइम से एक का, मतलब कि 3-1 इक्वल टू 2। आपसे कोई पूछ दे 5-19 भी हमारा प्राइम नंबर होता है, तो आप क्या करोगे, 19-1 मतलब कि एक कम, 18। आपसे कोई पूछ दे 5-83 भी हमारा प्राइम नंबर होता है, तो 83-1 82। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको कोई प्राइम नंबर मिलेगा और उसका आपको 5 निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जो प्राइम उससे एक कम कर दो तो आपको वो मिल जाएगा। कि ऐसे 82 नेचुरल नंबर हैं जो 83 से छोटे हैं और कोप्राइम है 83 के, ऐसे 18 नेचुरल नंबर हैं जो 19 से छोटे हैं और 19 के कोप्राइम, ऐसे 2 नेचुरल नंबर हैं जो 3 से छोटे और कोप्राइम टू 3, ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर है जो 2 से छोटा है और कोप्राइम है 2 के, वो भी कौन, 1। अब एक और है, अगर आपको नेचुरल नंबर कुछ प्राइम की पावर समथिंग मिले, मतलब कि पी की पावर एन कर दीजिए इसको, मतलब कि आपको अगर कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी एन इस फॉर्म का मिले, पी की पावर एम, वेयर यहां पे मेंशन कर देते हैं कि वेयर पी इज अ प्राइम नंबर, पी इज अ प्राइम नंबर एंड एन हमारा कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से आ रहा है, देन अब देखिए इसको बच्चों, देन तो आपका जो 5 p की पावर n होगा, p की पावर n है, p की पावर n ये होगा बच्चों हमारा p की पावर n माइनस पी की पावर एन माइनस 1। कहने का क्या मतलब है कि जब भी आपको कोई नंबर प्राइम की पावर समथिंग मिले तो आप प्राइम की पावर समथिंग लिखो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो प्राइम की जो पावर उसको एक कम करके उससे, तो आपको मिल जाएगा। अभी एग्जांपल देते हैं तो आपको क्लियर होगा ये, और ये भी कोई आसमान से रिजल्ट नहीं आया, इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
आपको मैं दिखा देता हूं जिससे आपको ये लगे कि कैसे आया है। क्या किया है हमने कि हमारे पास n किस फॉर्म में है, p की पावर m फॉर्म में। तो आपको बताया है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में है, तो वो फॉर्मूला लगाइए। तो फाइ एन क्या होता है, एन जो भी प्राइम है उसका रेसिप्रोकल करके वन से सब्ट्रैक्ट, तो वन माइनस वन अपॉन पी। एन हमारा क्या है, पी की पावर एम, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा पी माइनस वन अपॉन पी, एक पी ऊपर चला जाएगा मतलब पी डिवाइड हो जाएगा तो होगा पी की पावर एम माइनस वन पी माइनस वन। तो ये हमारा क्या हुआ, पी की पावर, अब देखो पी की पावर एम माइनस वन और पी से जब मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है, पावर एड हो जाएगी तो ये हो जाएगा पी की पावर एम और ये पी की पावर एम माइनस वन। तो वही रिजल्ट हमने सॉल्व करके निकाला। अब देखिए कैसे काम आता है, इसको देखिए जरा। अब जैसे कि आपने ले लिया फाइ नाइन, तो अगर आप फाइ नाइन देखें तो ये क्या है, थ्री की पावर टू, मतलब कि प्राइम की पावर टू। तो कैसे आप करोगे सॉल्व, कि जो भी आपको प्राइम की पावर समथिंग मिले उसको लिख दो, मतलब कि थ्री की पावर टू, फिर माइनस थ्री की पावर, पावर जो आपकी पावर है टू, जो भी पावर हो उससे एक सब्ट्रैक्ट करो, एक लेस, तो टू से एक लेस मतलब कि टू माइनस वन यानी कि वन, तो ये वन। तो देखिए थ्री थ्री जा नाइन, माइनस थ्री या सिक्स, तो फाइव नाइन की वैल्यू कितनी आई, सिक्स आई, ये वन है बच्चों। अब जैसे ले लिया हमने फाइव फोर्टी नाइन, तो ये है हमारा क्या, फाइव सेवन स्क्वायर, सेवन स्क्वायर। तो आप क्या करें, जो भी पावर में है प्राइम की पावर समथिंग है तो आप क्या करेंगे, प्राइम की पावर समथिंग पूरा लिख दे माइनस जो प्राइम की पावर समथिंग उसमें से एक कम कर दीजिएगा, तो मतलब टू है तो ये वन कर दीजिएगा, तो ये जाएगा फोर्टी नाइन माइनस सेवन फोर्टी टू, मतलब कि फाइव फोर्टी नाइन की वैल्यू फोर्टी टू, फाइव नाइन की वैल्यू सिक्स, कैसे आ रही है, आई होप यू आर गेटिंग इट। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं इसमें, एक और ले लेते हैं, फाइव थ्री फोर थ्री, तो ये आपका बच्चों होता है फाइव सेवन क्यूब। तो आप कैसे करोगे, सेवन की पावर क्यूब माइनस जो भी पावर है उसको एक कम, तो थ्री है तो एक का मतलब कि टू, तो आप देखो क्या है फोर्टी, ये है हमारा थ्री फोर थ्री माइनस फोर्टी नाइन, तो करेंगे जब आप इसको सब्ट्रैक्ट, फोर आएगा फिर यहां पे 13, एक कैरी हुआ 9, 294, ऐसे 294 नेचुरल नंबर है जो 343 से छोटे भी हैं उसके को प्राइम भी है, ऐसे 42 नेचुरल नंबर है जो 49 से छोटे भी हैं उसके को प्राइम भी है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ये थ्री प्रॉपर्टीज। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लगती है हमें, फोर्थ, अगर आपको फाइव कुछ इस फॉर्म में मिले, इस फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर m डॉट n, तो आप इसको फाइ एम डॉट फाइ एन कब करोगे, मतलब कि आप अगर आपको दो, आपको कोई नेचुरल नंबर है जो कि प्रोडक्ट है टू नेचुरल नंबर का, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, फाइ एम डॉट फाइ एन कब लिखोगे, ये आप तब लिख सकते हो इफ जीसीडी ऑफ एम कॉमा एन इज वन, दैट इज इफ एम एंड एन आर को प्राइम, आर को प्राइम नंबर्स। कहने का मतलब यह है कि फाइव एम डॉट एन इक्वल टू फाइव एम, फाइव एम कब लिखोगे, जब आपका m और n को प्राइम हो, मतलब कि उनका जीसीडी 1 हो। फॉर एग्जाम्पल 565, तो आप देखेंगे तो ये है क्या 55.13, ठीक है। अगर आप जीसीडी देखें 5 और 13 का, तो ये क्या आएगा बच्चों 1, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 1 ही एक ऐसा डिवाइजर है जो 5 को भी डिवाइड कर रहा है और 13 को भी डिवाइड कर रहा है साइमल्टेनियसली।
तो आप इसको ऐसे सेपरेट आउट करके लिख सकते हो 55 into 5 13। अब देखिए यहाँ का रिजल्ट कितना काम आ रहा है, अब 5 भी प्राइम होता है 13 भी प्राइम होता है, तो हमें कुछ नहीं करना है। तो 55 की वैल्यू मतलब कि जो भी प्राइम होता है उससे एक कम, तो 55 मतलब कि 4, ये 13 भी प्राइम है तो मतलब 5 13 = 12, तो ये कितना हुआ 48। ये बच्चों हमारा हुआ 48। ये कब कर पा रहे हैं, जब हमारा जीसीडी 5 और 13 का क्या आ रहा है 1। एक और ले लेते हैं इसमें, जैसे कि अब हम लोग ले लेते हैं 575 ले लेते हैं, 575। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 3 into 25 लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख पाओगे 5 3 5 25। क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि अगर आप देखो जीसीडी 3 और 25 का, तो ये बच्चों हमारा क्या आता है 1। तो 3 भी प्राइम नंबर है, तो 5 3 हमारा होगा 2, और 5 25 ये क्या है हमारा 5 की पावर समथिंग, मतलब कि ये हमारा 525 है बच्चों, तो ये हमारा 5 की पावर 2 है, तो यानी कि प्राइम की पावर समथिंग। तो क्या करेंगे, जो भी आपको प्राइम की पावर समथिंग वो लिखें और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें प्राइम की पावर में एक का, मतलब कि 2 है तो 1, तो ये हमारा 25, ये हुआ -5, ये 20 आया, तो 525 की वैल्यू कितनी आई 20, तो ये हुआ हमारा 40। मतलब कि ऐसे 40 नेचुरल नंबर है जो 75 से छोटे भी हैं और को प्राइम भी हैं। अब आती है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी, वो ये है बच्चों, अगर आपको 5 10 की पावर समथिंग मिले, मतलब कि 10 की पावर समथिंग मिले, तो ये बच्चों डायरेक्ट आप कह सकते हो कि ये हमारा 4 into 10 की पावर n-1, जो भी पावर होगी 10 की उसमें से एक कम कर दीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, आपको कोई प्राइम फैक्टराइजेशन या कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से प्रेजेंट करके आपको मैं बता रहा हूं, जिससे आपको ये चीजें बड़ी कलरफुल और अच्छे से समझ में आए। तो मैं लिख देता हूं कि वेयर एन हमारा क्या है पॉजिटिविटी का, तो अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहें तो आप कह सकते हो 525 बच्चों क्लियर हो गए, तो इसको मैं रब कर देता हूं, यहां पे इस चीज को कॉल लिख भी देता हूं कि जीसीडी 3 और 25 का क्या आया था बच्चा हमारा 1। तो अब देखिए इसमें एग्जांपल कि अगर आपसे कोई 5 10 पूछे, तो अभी हमने एक तो वो था अपने प्रीवियस लेक्चर में एक एक करके चेक करके निकाला, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा, अब इस फॉर्म में भी अगर आप देखो तो बच्चों ये 10 की पावर 1 है, तो आपको क्या बताया कि क्या करें 4 को मल्टीप्लाई करें और जो भी 10 की पावर उसको एक कम कर दीजिए, क्योंकि 10 की पावर 1 है तो 1 - 1 कितना होता है 0, तो 4 10 की पावर 0 मतलब कि 4 आ गया। अब जैसे आपको कोई कह दे 5 की पावर 100, ये भी हम लोगों ने अभी निकाला, तो बेसिकली ये है क्या 10 की पावर 2, तो अब कुछ ना करिए 4 को मल्टीप्लाई कर दिए 10 की पावर जो भी उसमें एक कम, मतलब 2 है तो 1 का मतलब कि 1, तो हो जाएगा 40। देखिए डायरेक्ट आगे, तो कुछ स्पेशल फॉर्म में अगर आपको मिले, जब भी अगर प्राइम मिले या प्राइम की पावर समथिंग मिले या प्रोडक्ट हो दो नेचुरल नंबर का, तो उसको ब्रेक करके कब आप लिख पाओगे जब वो दोनों को प्राइम हो। फिर अगर आपको 5 को 10 की पावर समथिंग मिले तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देखा सिक्स बच्चों वो ये कि जो हमारा 5 फंक्शन है 5n, ये हमेशा आपको क्या देता है ऑलवेज गिव्स इवन नंबर, ये हमेशा आपको इवन नंबर देगा, ऑलवेज गिव्स इवन नंबर फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। जब भी आप कोई भी नेचुरल नंबर
थ्री या थ्री से बड़ा लोगे तो फाइव एन आपको हमेशा एक इवन नंबर देगा, हमेशा आपको क्या देगा, इवन नंबर देगा। कब होगा, जब आपका एन थ्री या थ्री से बड़ा है, ये हमेशा देगा आपको। और आपको एन इक्वल टू वन और टू के लिए ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप जानते हो एस फाइव वन हमारा वन देता है और फाइव टू भी हमारा वन देता है। ये सिर्फ और सिर्फ वन और टू ही एक ऐसे दो नेचुरल नंबर हैं जिनका अगर आप फाइव निकालोगे, फाइव वन और फाइव टू, यही बस हमें ऑड नंबर देते, वो भी कौन सा, वन, इसके अलावा वो भी नहीं देते और कुछ। तो कहने का क्या मतलब है कि फाइव हमेशा आपको इवन नंबर देगा जब भी आप एन थ्री या थ्री से बड़ा लोगे, और सिर्फ एक ही कंडीशन पे दे रहा है, जब एन आपका वन हो या टू हो। अगर वन और टू नहीं है तो आपको कभी भी आपको ऑड नंबर नहीं मिलेगा, फाइव नहीं देगा, हमेशा इवन नंबर देगा। आप जितने भी कैलकुलेट किए सारे इवन नंबर आपको मिलेंगे, टू एटीन, एटी टू, सिक्स, फोर्टी टू, 294, सारे आपको क्या मिले, इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई कह दे, यहां पे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एक देखिएगा कि फाइंड एन, आप एन बताइए, फाइंड एन फॉर विच फाइव एन गिव्स यू 295। अगर आपको कोई ऐसे कह दे कि वो एन बताइए जिसके लिए फाइव एन आपको 295 दे, तो आप सीधे बोल दीजिएगा कि नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी सपने में भी नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका फाइव कभी भी ऑड नंबर नहीं देगा, ऑड नंबर सिर्फ और सिर्फ वो वन देगा, वो भी कब, जब आप वन एन वन हो या टू हो, 295 तो कभी सपने में भी नहीं आएगा। तो आप कह सकते हैं नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका फाइव आपको हमेशा क्या देता है, इवन नंबर देता है हमेशा। और यहां पे आपको क्या दिया मिल रहा है, 295। एस फाइव गिव्स 295 विच इज ऑड नंबर, आप मेंशन कर दे विच इज ऑड नंबर, क्योंकि एक ऑड नंबर है और फाइव हमेशा एन जब थ्री या थ्री से बड़ा होता है हमेशा इवन नंबर देगा। तो सीधे कह दीजिए सो सॉरी वी आर नॉट गेटिंग एनी एन, वी आर नॉट गेटिंग एनी एन, तो हमें कोई भी ऐसा एन नहीं मिलने वाला, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लास्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखी हुई थी, यहां पे लिख देते हैं क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज फाइव के बारे में लिखी है, तो ये भी यहां पे लिख देते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जो फाइव फंक्शन होता है, फाइव फंक्शन इज नाइदर वन वन, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, तो ना ही ये फाइव फंक्शन हमारा वन वन है नहीं है ऑन टू है। तो फाइव के बारे में जितना पॉसिबल डिटेल, बेसिक जितनी भी हो सकती है, वो आज सारी हम लोगों ने डिस्कस की। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो या कोई पार्ट ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।